debut for the OTT. Thank you. What is the concept of this show and what was so inspiring to be part of this show, sir? सबसे पहले तो ये शो जो है ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है क्योंकि ये 90s में बेस्ड है और ऑफर्स बहुत थे लेकिन मैं किसी ऐसे शो से शुरुआत करना चाहती थी और इनफैक्ट इसके बाद भी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी ऐसे शोज़ में जहाँ माय हार्ट इज़ देयर और जहाँ मैं रिलेट कर सकूँ, जिसे आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते या जो कैरेक्टर या स्टोरी का हिस्सा होने में आपको मज़ा ना आए तो वो सिर्फ करना है इसलिए आपने वो रोल कर लिया, ऐसा होता है। बट जब मुझे ये मेरी फैमिली की स्टोरी सुनाई गई और नीरजा का कैरेक्टर बताया गया, इतना रिलेटेबल था और मैं अपने बचपन में ट्रांसपोर्ट हो गई थी तो मुझे लगा कि मैं जाऊंगी अपने बचपन के टाइम में लेकिन एक्चुअली अपनी मम्मी का रोल प्ले करूंगी, सो इट विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिलेटेबल। उसके इमोशंस, फैमिली के इमोशंस और जो प्यार और जो बारीकियाँ थी, जो नुएंसेस थी, जो एक्चुअली आज के टाइम पर हम मिस करते हैं, जो परिवारों में तब हुआ करते, वो इतना फील गुड और हार्ट वार्मिंग था कि सुनते ही आई न्यू दैट आई वांट टू बी नीरजा। द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इज नोन एज रितिका अवस्थी एंड रितिका इज अ 15 ईयर ओल्ड गर्ल हु इज जस्ट बीइंग हरसेल्फ मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सवाल है, कुछ सवाल बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, कुछ सवाल वाकई लॉजिकल है और बस उन सब के जवाब ढूंढ रही है। कहीं चीज़ें करना चाहती है, कहीं चीज़ें कर नहीं पाती बिकॉज माता जी पिताजी है, बट या आई थिंक रितिका से काफ़ी लड़कियाँ बच्चे जो 90s, क्योंकि हमारे सेट पर ही आई थिंक जूनी मैम ऑलवेज से इसकी रितिका से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ बिकॉज जब वो इस एज में थी तब उनको लगता था कि ये रितिका ऐसी, बड़े सवाल होते थे, बड़े सवाल होते तो बिल्कुल है, बिल्कुल सवाल बदल गए हैं, सवाल बदल गए हैं बस। तो या दिस इज रितिका और मज़ा आएगा देखने में क्योंकि हमें करने में बड़ा मज़ा आया, सो आपको देखने में मज़ा। कैरेक्टर का नाम संजय अवस्थी है और ये किरदार 90s के उन पिताओं की तरह है जो जिसके घर में अगर बेटी होती है तो बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, यू नो, एक समय तक, तब तक उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी ही जो है वो अपनी बेटियों को हैंडल करेंगे या घर को हैंडल करेंगे। सो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले एक सहज सरल किरदार हैं जिससे आप बहुत रिलेट करेंगे कि पिता जो है वो बाप नहीं है वो पिता है, पिता तुल्य है। सो और मेन ये है कि एक छोटी सी, एक अच्छी सी फैमिली है जहाँ पे वैल्यूज़ और संस्कार और एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है ह्यूमन ग्राउंड्स पे, उन सारी चीज़ों को, मोरालिटीज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं बट इम्पोज नहीं करते हैं किसी भी तरह की सोच को। सबको फ्रीडम है अपने जीवन में सब कुछ करने का और शायद इसी वजह से ये एक हंसता खेलता परिवार है क्योंकि सबने अपने लिए कहीं ना कहीं जगह बनाई है और सबके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जगह है।